चैनल मीरा गुप्ता इंडियन रेसिपीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आलू पोहा के नमकीन डोनट्स बनाएंगे। बरसात के मौसम में कुछ चटपटा खाने का मन हो तो पोहे के डोनट बनाएंगे। यह खाने में क्रिस्पी और स्वादिष्ट होते हैं। इसका बनाना भी आसान है। यह नाश्ते में चाय के साथ बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर घर पर पार्टी है तो इसे स्टार्टर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोहे के डोनट बनाना शुरू करते हैं। इसकी सामग्री इस प्रकार है। पोहा 2 कप, जो चिवड़ा बनाते हैं वो वाला लेना है। उबले आलू 5, 300 ग्राम, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून अमचूर, 1 हरी मिर्च कटी हुई, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 कप मैदा, सूजी 1/2 कप, हरा धनिया कटा हुआ 3/4 टेबल स्पून, तलने के लिए रिफाइंड ऑयल। अब चेवड़े को धोकर भिगोएंगे। पोहे को धोकर 2 बार चलनी में डाल दिया है। अब इसे फूलने देंगे। आलू को ग्रेट करेंगे। आलू ग्रेट हो चुका है। पोहा भी अच्छी तरह से फूल चुका है। इस तरह से बिल्कुल अलग अलग हो चुका है। अब इसे पीस लेंगे। अब इसे ग्राइंडर में डालकर पीसेंगे। बिना पानी डाले इस तरह से पीस लेंगे। अब इसे बाउल में निकालेंगे। चिली फ्लेक्स डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, अमचूर डालेंगे, जीरा डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे जितना ज़रूरत हो, हरा धनिया डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से सूखा ही होना चाहिए। आलू गीला होता है। इस तरह से डो तैयार कर रहे हैं। इसमें अगर सब्जी डालना चाहें तो ग्रेट करके सब्जी भी डाल सकते हैं। और इस तरह से डो तैयार हो चुका है। इसका इस तरह से गोला बना के देख लेंगे। ये फटे नहीं। इस तरह से अब इसको इस तरह से बराबर गोल करेंगे। इस तरह से बराबर करके इसे दबाएंगे और इस तरह से ढक्कन से छेद कर देंगे। इस तरह से डोनट बना के तैयार कर लेंगे। अगर इस तरह से गोला पूरा ना बनना हो तो थोड़ा पानी का हाथ लगाकर गोला बना सकते हैं। इस तरह से सारे बना लेंगे। डोनट बनकर तैयार है। अब सैलरी घोलेंगे। मैदा को बाउल में डालेंगे। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। पानी डालकर इसे घोल लेंगे। इस जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। इस तरह से मैदा को पतली सैलरी में घोल लेंगे। सूजी को बाउल में डालेंगे। इस तरह से एक ही डोनट को इसमें डालेंगे। सूजी में डालकर इस तरह से सूजी को लपेट देंगे। इस तरह से ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं और प्लेट में लगाते जाएंगे। इस तरह से लगाकर सब में लगा देंगे। इस तरह से लपेट लपेट कर प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरह से सारे बना लेंगे। डोनट पर सूजी लगा चुके हैं। अब इसे सेट करने के लिए 1/2 घंटा के लिए फ्रीजर में रखेंगे। 1/2 घंटा हो चुका है। सूजी सेट हो चुकी है। अब इनको आप रख भी सकते हैं। इस तरह से थैली लेकर जितने तलने हो तल लें, बाकी को थैली के अंदर रख दें। अब इनको तलेंगे। तेल गर्म हो चुका है।
अब इसमें डालेंगे। थोड़ा सिकने के बाद में पलटेंगे, इस तरह से हल्का सा सिक जाए फिर इन्हें घुमाएंगे। अब इनको पलट देंगे। हल्के ब्राउन होने तक सेकेंगे। इस तरह से हल्के ब्राउन सिक चुके हैं, अब इन्हें निकाल देंगे। इस तरह से सेकने से तेल कम लगता है। प्लेट पर रखते जाएंगे। इस तरह से बाकियों को भी सेकेंगे। इसे पलट पलट कर सेकेंगे, क्रिस्पी सेकें। इस तरह से सिक चुके हैं, अब इन्हें निकाल देंगे। जरूरत के हिसाब से सेक लेंगे, बाकी को डीप फ्रीजर में रख देंगे। इस तरह से थैली लेंगे और थैली के अंदर इस तरह से रख देंगे। जब मन करे इन्हें निकाल के पल सकते हैं। सेट होने के बाद में ये चिपकते नहीं हैं। चिप बंद करके इसको इस तरह से सेट करके फ्रीजर में रख देंगे। पोहे के डोनट बनकर तैयार है, अब सर्व करेंगे। स्वादिष्ट, क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट पोहे के डोनट बनकर तैयार है। इन्हें टोमेटो सॉस, हरे धनिए की चटनी के साथ बनाइए, खिलाइए और खाइए। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एंड स्क्रीन में हमारे चैनल के तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट दिखाई गई है। इन वीडियोस को देखकर रेसिपीज बनाने का लाभ उठाएं और अपना अनुभव हमारे चैनल के साथ शेयर करें।